दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा पैटर्न पे पूरी तरह से आधारित है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में भी कौन सी ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी के योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग और अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णों के क्रमबद्ध सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में आने वाले शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द प्रकार के आधार पर अपनत्व तो शब्दों का कौन सा भेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा। अपना तो हमारा क्या है कि भावातक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पर अभियोग लगाया गया है वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, अभियुक्त, यानी जिस पर अभियोग लगाया गया है उसे हम अभियुक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि को किस विभक्ति का बोधक है। यहाँ हमें कारक बताना है, कारक की विभक्ति बताना है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, को हमारा क्या है कर्म विभक्ति का बोधक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, यानी यहाँ हमें पुलिंग और स्त्रीलिंग बताना है कि दही हमारा कौन सा लिंग है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, दही हमारा क्या होता है कि पुलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीन भेद होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतसाक्ष के आधार पर सूर जन्मांध नहीं थे, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो देखते हैं, हम यहाँ औपचारिक पत्र की बात कर रहा है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा कि अपने छात्र, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक विक्रेता ऑर्डर की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त समय की मांग हेतु पत्र, हमारा क्या हो जाएगा औपचारिक पत्र हो जाएगा। जबकि पुत्र को पिता द्वारा सब इंस्पेक्टर पद के लिए निर्वाचित होने पर बधाई, अपने आवासीय छात्रावासीय जीवन का ब्यौरा देते, ये सब हमारे हो जाएंगे अनौपचारिक पत्र का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, 7। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, जबकि ह्रस्व स्वर की संख्या क्या होती है कि 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समासिक शब्दों का पहला पद विशेषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, कर्म धारा समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुटेरा, सुनार एवं घुमक्कड़ में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो घुमक्कड़, लुटेरा और सुनार में हमें पता करना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, लुटेरा में एरा, सुनार में आर और घुमक्कड़ में अक्कड़, हमारा क्या है कि प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। यहाँ हमें तद्भव छांटना है कि चार जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से तद्भव क्या है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, प्यास क्या हो गया हमारा तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वे संस्कृत शब्द जो उच्चारण के कारण बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं उन्हें हम क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, अर्ध तत्सम उनको हम बोलते हैं, जो कि उच्चारण के कारण बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही अपना रूप ले लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कि अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर खलिहान कौन सा शब्द है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हमें बताना है कि खलिहान कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमारा खलिहान क्या है कि देश शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारतूस कौन सी भाषा का शब्द है। तो कारतूस हमारा हो जाएगा
फ्रेंच भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कि ये थेस्ट, अनेकों, प्रत्युच और संपन्न में कौन सी जो शब्द लिखा है शुद्ध भाषा में लिखा हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रत्युच क्या है कि हमारा सही लिखा हुआ है, जबकि यथेष्ट, अनेकों और संपन्न क्या है कि हमारा गलत लिखा गया है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो कौन सा शब्द है जिनका वचन, जिसका प्रयोग हमेशा क्या होता है कि एक वचन में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माल जो है कि हमेशा एक वचन में होता है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाला शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यौगिक। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक बोलते हैं। जबकि योग रूट भी क्या होता है कि कुछ ऐसा शब्द होता है जिसका अर्थ कुछ अलग निकलता है, जैसे जलज हो गया, तो जलज हमारा क्या हो गया, योग रूट शब्द हो गया, क्योंकि जलज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यों के वर्गीकरण का भेद है, वाक्यों के वर्गीकरण का भेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए बी, यानी कि शब्द के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्यों का भेद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं जिनमें, यानी कि कौन से वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या क्या कहलाता है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अघोष व्यंजन हम कहते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरे व्यंजन, दूसरे जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अघोष व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण की दृष्टि से अशुष्ण ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी युग्मन ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुत्र प्रेषणा, यानी पुत्र प्रेषणा में कौन सी वृद्धि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि। कह रहा है कि पुत्र प्लस एषणा, यानी कि पुत्र प्रेषणा में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि निष्कपट में कौन सा उपसर्ग लगा है। चार ऑप्शन दिया है, निश और नि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निश में हमारा ये वाला निश उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस लिखा है उसमें हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उसने झटपट भोजन कर लिया। तो झटपट यहाँ क्या हो गया कि हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समुच्चयबोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लाया है वाक्यों में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। यहाँ कह रहा है कि कुछ लाया है, तो ये हो जाएगा हमारा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षीरोद, इंद्रा और समुद्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं क्षीरोद, इंद्रा और समुद्रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आद्य और अध शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आदमन पहला और अधमन आज होगा, जो कि आद और अध का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदि अव्यधि के लिए सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदि मीन्स होता है हमारा मानसिक पीड़ा, जबकि व्याधि मीन्स होता है हमारा शारीरिक पीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आकाश में बादल गरजा रहे हैं, इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ भाव और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, इस शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गरजा, जो सही शुद्ध सेंटेंस होगा कि आकाश में बादल गरज रहे हैं न कि गरजा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरता इंडिया गेट जाना चाहती है, वाक्य में कौन सी
है, यानी कि ये किस प्रकार का हमारा वाक्य है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, इच्छा या तक, यानी कि सरता इंडिया गेट जाना चाहती है, उसकी इच्छा है, तो ये हो जाएगा हमारा इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से निम्न हिंदी के सही, दिए गए विकल्पों में से निम्न वाक्य के सही हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। तो वर्ड है कि द रामायण इज द मोस्ट पॉपुलरिटी रेड बुक इन द इंडिया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा कि रामायण भारत में अत्यधिक पढ़ा जाने वाला लोकप्रिय ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और हमें इस पर गर्व है, इसका हमें अंग्रेजी ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा प्रश्न संख्या 107 से 109 तक के लिए एक हमारा गद्यांश दिया गया है, हमें उसको पढ़कर इसका आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। दिए गए शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और अपना जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य कला धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्राकृतिक के हाथ से निकलकर मानव के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक के क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। आप सिर्फ भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो इस गद्यांश से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी कि इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका उपयुक्त होगा हमारा कि विज्ञान का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी विज्ञान धृत शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 108 का हो जाएगा हमारा ए, जीवन का एकांगी विकास, यानी कि विज्ञान की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जीवन का एकांगी विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि गद्यांश में उचित संप्रेषण कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा क्या कि भौतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है क्या आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत और सामान्य भूत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध भूत। कह रहा है कि श्याम ने गाना गाया होगा, यहाँ कन्फर्म नहीं है, संदिग्ध स्थिति है कि गाया होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं, यानी जीभ की स्थिति के अनुसार हमें बताना है कि स्वर हमारे कितने टाइप के हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षत्रज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि वे, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा सी, क्योंकि ये हमारे क्या है कि संयुक्त व्यंजन होता है, क्षत्रज्ञ क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है कि यह हमारा लिखा है कि दर्शनाविलासी, तो चार तरह से लिखा गया, बताना है इसमें कि कौन सा शुद्ध है, तो हमारा सही और शुद्ध जो लिखा हुआ है ये है कि दर्शनाविलासी क्या है कि सही और शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी कि बताना है कि कौन सा इसमें हमारा तत्सम शब्द है, तत्सम बताना है न कि तद्भव, तो तीखा, अटारी और गहरा क्या हो गया हमारे तद्भव शब्द है, जबकि निष्कृष्ट क्या है हमारा
तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा हमें बताना है कि किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जापानी भाषा का शब्द है। अब कह रहा है कि सरसिज गंज तथा अब्ज किसके समानार्थी शब्द हैं, यानी कि सरसिज गंज और अब्ज किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कमल के लिए प्रयोग किया जाता है सरसिज गंज और अब्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे अनेकार्थी शब्द के साथ एक अर्थ शब्द लिखा हुआ है, उसका दूसरा अर्थ बताइए, जैसे खल का हो गया दुष्ट, तो हमें बताना है कि खल का एक दूसरा अर्थ भी क्या होगा, तो खल का एक दूसरा अर्थ होता है हमारा क्या, धतूरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ है उभय और अभय, तो हमें बताना है कि उभय और अभय का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, अभय माने दोनों और उभय माने दोनों और अभय माने क्या होता है कि निर्भय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षिप्र हस्त, यानी कि जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षिप्र हस्त बोलते हैं। घबराहट शब्द किससे बना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी घबराहट, जो कि हमारी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव पुलिंग में प्रयोग होता है, तो कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा पुलिंग में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा देश, देश हमेशा क्या होता है कि पुलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दर्शन, दर्शन हमारे क्या है कि बहुवचन में है, लेकिन यहाँ जनता है तो ये भी लग रहा है बहुवचन में, लेकिन ऐसा नहीं है, जितने भी हमारे समूहवाचक शब्द होते हैं उनका प्रयोग हमेशा क्या होता है कि एक वचन में प्रयोग होता है, जैसे जनता हो गया, भीड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछे वाक्य में गुरुजी से किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी गुरुजी से, तो हो जाएगा हमारा क्या करण कारक, कर्ता ने कर्म से, तो गुरुजी से है तो हो गया कि हमारा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज विद्यालय में कुछ ही विद्यार्थी आए हैं, इस वाक्य में विशेषण है कुछ ही विद्यार्थी आए हैं, तो कुछ ही क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक यानी समय से संबंधित बताना है कि कौन सा विशेषण है, तो आज बहुत तेज धूप निकली है, आज यहाँ टाइम के बारे में बता रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुचित नहीं अत्युक्त स्वभाव और निर्देश में क्रमशः कौन से उपसर्ग लगे हैं, यानी यहाँ तीन शब्द दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन से उपसर्ग लगे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, अत्युक्त में अति, स्वागत में शु प्लस निर्देश में नी हमारे क्या है कि उपसर्ग लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक इस, वाक प्लस इस वाकिस हो गया, इसमें कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आयादी संधि इसमें प्रयुक्त की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिधर शब्द के लिए कौन सा समास है, गिरिधर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी गिरिधर, यानी कि बहुप्रिय समास है गिरिधर, यानी कि पहाड़, गिरि को धारण करने वाले किसको कहते हैं श्री कृष्ण को, तो ये हमारा क्या हो गया बहुप्रिय समास, बहुप्रिय समास उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारा कोई भी पद प्रधान ना कोई अन्य पद प्रधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी अंग्रेजी का, निम्नलिखित अंग्रेजी का हिंदी में सही अनुवाद करना है कि जनरली एन इंडियन, जनरली एन इंडियन फार्मर इज रिगार्डेड एज ए फैटलिस्ट, यानी कि कह रहा है कि भारत में आमतौर पर भाग्यवादी किसान का, भाग्यवादी किसान का सम्मान होता है, कह रहा है कि भारतीय किसान को आत्मतौर पर भाग्यवादी समझा जाता है, तो यहाँ लिखा है कि रिगार्डेड, रिगार्डेड माने माना जाता है समझा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी कि भारतीय किसान को आत्मतौर पर भाग्यवादी समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में सही अनुवाद कीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेस को अनिष्टकारक प्रचार और ध्वंसात्मक आलोचना से बचाना चाहिए, तो प्रेस मस्ट अवॉइड मिस
सी एस प्रोपेगेंडा एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।